गोल लगातनी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, महिला समेत दू गो बच्चा के आग में जले से दर्दनाक भइल रहे मौत। यह मामला में अवैध संबंध में हत्या के आशंका। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जरिगावा गांव के बटुए। अब खबर विस्तार से सुनी, आज दिल दहला देवे वाला एगो दर्दनाक घटना सामने देखे के मिलल। जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जरिगावा गांव में एगो महिला और दू गो बच्चा के दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर रात में घर में कैसे भइल केहू के पता ना चलल, सुबह तक भी पता ना चलल। घटना के बाद मुफस्सिल पुलिस मौका पे पहुंच के शव के कब्जा में लेके छानबीन में जुट गई। ओइजे शव के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिलस। मिलल जानकारी के अनुसार उपेंद्र सिंह के पत्नी हेमंती देवी अपन दू गो बच्चा रागिनी कुमारी 4 बरिस आ एगो 4 माह के दूध मुहा बच्चा के साथ सुतल रही। पहले संभावना ई जतावल जाता है कि शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई आ जब तक उनकर नींद खुली तब तक आग उनका के चारों तरफ से घेर लेलस। ओ जे स्थानीय सूत्र के मानल जाओ तो महिला के उपेंद्र सिंह के गाँव ही के कोनो अन्य महिला से अवैध संबंध रहे, मने जे मरल रहे ओकर पति के, जेकरा के लेके पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होत रहे। स्थानीय लोग के अनुसार मामला के लेके कई बार पंचायत भी भइल रहे, लेकिन पति के आदत में सुधार ना होत रहे। संभवतः यही बात से नाराज पत्नी या तो आग लगा के आत्महत्या कर लेलस या जला दिहल गई। वही ये लड़की के चाचा बतैले कि गवाही के दूसरा लड़का से नाजायज संबंध होके के वजह से हमार भतीजी के हत्या करके जलावल गई बा। पहले पैसा के मांग कल गई रहे, हमनी के 10,000 रुपया दिले रही जा। वही ये चाचा बतैले कि जब हम लड़की के घरे गईनी तो गांव के लोग इकट्ठा रहे, घर में मोटा रस्सी लागल रहे, देखे से ऐसा प्रतीत होत रहे कि ओकरा के मार के जलावल गई बा, परिजन फरार बने। वही जे मामला के जानकारी दे पुलिस अधीक्षक यानी SP साहब बतैनी कि संदेहास्पद स्थिति में मौत भइल बटुए, परिजन के बयान पर आधार पर कार्रवाई कइल जाता है। SP साहब बतैनी कि लड़का के माँ के डिटेन कइल गई बा, मामला संदेहास्पद होके के कारण बयान के आधार पर कार्रवाई कइल जाई। बहरहाल ये हृदय विदारक घटना से जहाँ लोग दंग बाणे, जौना तरह से घटना भइल ओकरा के देखला से ऐसा प्रतीत होता कि आग स्वयं लगावल गई बा। अब देखल दिलचस्प हुई कि पुलिस यह मामला में कवना तरह मामला के सुलझावतिया। यह हृदय विदारक घटना से ग्रामीण गमगीन बाणे। देखी चाचा का कहता है, हम लोगों को तो कोई सूचना नहीं था वहाँ, लेकिन गांव को लोग हमारे को फ़ोन किए सुबह, हम लोग पहुँचे वहाँ। वहाँ गए तो हम लोग देखे कि बात हुए 3 बच्चे हुए, सब बात जले पड़े हुए हैं, गांव घेरा हुआ है। यही हम लोग देखे वहाँ एक घर में रस्सी बांधा था मोटा। तो क्या अंदेशा लग रहा है कि मार करके जलाया गया? हाँ, उसको बांध कर को जलाया गया हुआ है। पहले में भी बात क्या था? पहले में जला ही को मैंने देखा था बात, और वहाँ पति पत्नी के बीच विवाद था। हाँ, पति पत्नी में विवाद ये था कि वो एक लड़की से अपने गांव का ही फंसी थी, जो कि बात और वहाँ उस लड़की ने बात और दबाव बनाती थी इन पर, दहेज भी मांगती थी 10,000 रुपया। हम आज विजयदशमी से पहले अगला साल में मैंने दिया था उसको बात, और उसके बाद अब इधर हम लोगों की बात नहीं हुई उनसे। गांव जाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जला करके मारा गया। हाँ, अभी हम पत्रकार को भी वहाँ दिखाए, जो मीडिया वाले खींच रहे थे, हम कहे कि ये रस्सी कैसा है, इतनी मोटी रस्सी थी। हाँ, वो रस्सी देखिए पहले। हाँ, उसके बाद बात खींचिए वो अपना वहाँ के लोग। अभी हमें लगता है कि 4 घंटे से यहाँ अस्पताल में आप लोग हैं। हाँ, लड़के वाले कहाँ हैं? लड़के वाले सभी भागे हुए हैं, उसकी लड़के की माँ आई हुई है, 2 औरतें 2-4 आई हुई हैं लड़के वाले के यहाँ। हाँ, लड़के यहाँ अभी तक कोई परिजन, पुरुष परिजन कोई नहीं है ना, सभी भागे पड़े हुए हैं। हम लोग वही ताक रहे हैं कोई आकर को अपने लाश को ले जाए। क्या पर्चे आपका है? हम लड़की का चाचा हूँ। क्या नाम है? विजय शंकर।
हाँ, मुबसिल थाना अध्यक्ष के द्वारा सुबह में बताया गया कि जरीगांव में एक महिला जिनका नाम हेमंती देवी है, अपने दो बच्चे ऋतिक जिनका उम्र 3 माह का है और रागिनी जो 4 साल की हैं, वो संध्यास्पद स्थिति में आग लगने से मृत पाई गई हैं। शव को अंत परीक्षण के लिए भेजा गया है, परिजन सूचित कर दिया गया है, परिजन आए के पहुँचते हैं, उनके बयान पे जो कि आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर मैं वहीं से आ रहा हूँ, 4 घंटे से शव पड़ा है, परिजन में घर के पुरुष नहीं है इसलिए अभी तक वहाँ पड़ा हुआ है। अब परिजन का तो इंतजार करना पड़ेगा हमको, परिजन के इंतजार में, परिजन के आने के बाद ही जो है, ताकि ये मौका हम किसी को नहीं देना चाहते हैं कि कल होकर परिजन आके कहे कि जो है कि जल्दीबाजी में जो है ये काम कर दिया गया है, उनको पूरा मौका हम लोग दे रहे हैं। लड़की वालों का मांग है सर वहाँ पे कि परिजन को बुलाया जाए, परिजन वहाँ लड़का का माँ आई है उसके अलावा कोई नहीं। भाई अब मामला संदेहास्पद स्थिति है जिस कारण जो है कि उनकी माँ को जो हम लोगों ने डिटेन किया है और जो लड़की के परिजन जो सिमरी के नियाजीपुर के आसपास के रहने वाले हैं वो लोग आ गए हैं, उनके बयान पर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे।